मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली की गौरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर। आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। हरा घोड़ा, अकबर बीरबल की चतुर कहानी। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर ले और कहे कि जहां पनाह में हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोर की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहां पनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी है। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो ये है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। ये तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां बना हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है।